बद तो बदतर हुए मणिपुर दे हालात। हर दिन वध रही गुंडागर्दी, शरेआम हो रही हिंसक झड़पां। हालातां नूं देखदिआं होइआं मुख्यमंत्री ने दित्ती चेतावनी, हिंसा इत्थे ही रोकी जावे, नहीं तां नतीजे भुगतण दे लई तैयार हो जाण समुदाय वाले। मणिपुर के हालात इस समय बद तो बदतर होंदे हुए नजर आ रहे हैं। दस दिए कि 3 मई तो शुरू हुई यह जिहड़ी हिंसा है, 1.5 महीने तो वध दा समा हो चुका है, पर हले तक भी यह जिहड़ी हिंसा है यह रुकण दा नाम नहीं ले रही है। इस सारी हिंसा के नाल जिथे 50,000 तो वध लोग प्रभावित हुए हैं, उस तो इलावा उन्होंने अपने घर भी उजड़ के सवाह हो चुके हैं। दस दिए कि हाल ही के 100 तो वध होर घरां नूं जिहड़ा है इस हिंसा भड़काउण वाले लोगों के वलों, इन्हां समुदाय के लोगों के वलों जिहड़ा है अग लाई गई सी, जिस तों बाद कई लोग होर बेघर हो गए सन, जिन्हां नूं कि सरकारी राहत कैंपां दे विच सहारा लैणा पिया सी। कई लोग ऐसे ने जो कि इस सूबे के नेड़े इलाकों के अपने रिश्तेदारों के कोल जाके रह रहे हैं। इस हालातों के हुण जिहड़ा है मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह का जिहड़ा है बयान सामने आया, उन्होंने कहण के मुताबिक उन्होंने वालों ये हिदायत दी गई है उन्होंने हिंसा भड़काने वालों को, जिन्हें जेकर वह हिंसा इस वेले ही नहीं रोकते तो वह अंजाम भुगतन के लिए, नतीजे भुगतन के लिए तैयार हो जाए। नाल दी नाल उन्होंने ये अपील भी की है मितिया भाईचारे के लोगों कि वह होर जिहड़ियां ये घरां नूं अग्गां लगा रहे हैं वह इस तरह का जिहड़ा समा है उसनों बर्बाद ना करन, वो इस तरह का माहौल खराब ना करन। इस सारे मामले ते तुहानू दस दिंदे आ कि राहत कैंप जिहड़े ने लगातार सरकार दे वल्लों लगाए गए ने, 10,000 तो वध आर्मी फोर्सेस जिहड़ियां ने वो इस वेले मणिपुर दे विच मौजूद ने। पर हाल ही दीआं जिहड़ियां घटनावां सामने आईआं सन, जिस दे विच कि इस दी राजधानी दे विच जिहड़ा है शरेआम हमले हुंदे ने, लोकां दे घरां नूं अग लगाईआं जांदीआं ने, कॉलेजां तक नूं नहीं बख्शिआ जांदा, जिथे कि सरकारी जिहड़ी प्रॉपर्टी है उन्हों भी नुकसान पहुँचाया जाता है। जिस दे नाल ये भी गल सामने आई सी कि मितिया अते कुकी भाईचारे दे जिहड़े लोग ने उन्हां दे कोलों हथियार भी बरामद किए गए सन, जिहड़े उन्हां ने लोगों के घर दे विचों लुटे सन। इस सारे मामले ते तुहानूं दस दिंदे आ कि मितिया ते कुकी भाईचारे दे विच आपसी बहस तो बाद जिहड़ी है 3 मई नूं हिंसा भड़क गई सी। मितिया भाईचारा एक ऐसा भाईचारा दस्या जांदा मणिपुर दा जिन्हां दी कि 53% दी हिस्सेदारी मन्नी जांदी है मणिपुर दे विच, ते उन्हां दे वल्लों हुण यह मांग की गई सी कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति का जिहड़ा है दर्जा दिता जाए। इस सब के विरोध के विच कूकी भाईचारा जिहड़ा मन्निया जांदा आदिवासी भाईचारा, उन्होंने वालों ये गल कही गई सी, इस दे नाल उन्होंने कूकी भाईचारे के अधिकारां का ही अपमान होएगा, जिहड़े थोड़े जे अधिकार उन्होंने मिलते ने वह भी हुण मितिया भाईचारे के कोल ही चले जाएंगे। जिस तों बाद आपसी बहस बसेर तो बाद इस हद तक हिंसा भड़क जाती है कि जिसका असर हुण 50,000 तो वध जिहड़े लोग ने उन्होंने झेलना पै रहा है। इस वेले सरकारी छोड़ी के जिहड़ा है मणिपुर तब्दील हो चुका है। हाल ही के केंद्रीय मंत्री के घर में शरेआम अग लगा दी जाती, अग की भेट चढ़ा दिता जाता, उसका घर एक वीडियो भी सामने आती है। इस तो इलावा जी है जनतक थावान ने उस भी शरेआम अग लगाई जाती है, कुटमार की जाती है लोगों के नाल, तो इस तरह के हालात उत्थे बन चुके हैं कि करफ्यू बन चुके हैं। पर इस वेले जो करफ्यू तो थोड़ी जी ढिल दी जाती है तो नाल ही जी हिंसा है दोबारा भटक जाती है। इस सारे मामले से हुण जिहड़ा है मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया, उन्होंने वालों ये अपील की गई है कि इस हिंसा नूं इत्थे ही रोकिया जाए, तो नाल ही उन्होंने वालों ये चेतावनी भी दी गई है कि जेकर यह हिंसा इत्थे ही नहीं रोकी जाती तो जिहड़े नतीजे होणगे वह भुगतण दे लई इह समुदाय दे लोक जिहड़े ने उह तैयार हो जाण।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਸਿਡਿਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਬਸ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਅਰਜੁਨ ਟੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਅਬ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰੇ ਟੌਪ MD ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੇ ਸਾਥ, ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਬੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਕਲੀਨਿਕ, ਔਰ ਪਾਏ ਸਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, www.planetayurveda.com।